A very good morning to all of you students. Today we are going to move ahead with exponents and we are going to do laws of exponents today. Ab exponents kya hote hain? Kal humne bata diya tha ki repetitive multiplication ko hum show kar sakte hain with the help of a power jo hum upar likhte hain superscript mein chhota sa number. Aur aaj hum uske kuch laws karne ja rahe hain. To laws bahut dhyan se sunne hain. It says first law is multiplying powers with same base. Base क्या होता है? जो नीचे number होता है, right? मैंने कल बताया था ये base होता है और उसके ऊपर जो लिखा होता है ये क्या होती है? Power. बताया था? Now it says अगर दो numbers multiplication में हैं, है ना? और उनका base same है, तो इसका rule क्या कहता है? इसका rule कहता है कि उनकी जो powers होती है ना, वो add हो जाती हैं. अब वो ऐड क्यों हो जाती है या तो आप याद कर लो बट आई वॉन्ट टू टेल यू द रीजन. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी लिसन एंड सी केयरफुली. टू रेज टू द पावर ऑफ फोर को मैं एक्सपैंड करूंगी तो क्या करूंगी? टू को चार बार मल्टीप्लाई कर दूंगी, करेक्ट? फिर ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, और टू की पावर थ्री है. अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी तो टू इन टू, ठीक है? तो ये टोटल टू कितनी टाइम्स आ गए? एक दो तीन चार पांच छह सात, सात टाइम्स आ गया. टू की पावर सेवन हो गई. सो वी से दैट व्हेन द बेसिस आर सेम एंड द नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन देयर पावर्स आर एडेड. पावर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है. दैट मीन्स थ्री प्लस फोर भी कर देती, इसको मैं डायरेक्टली क्या करती, ऐसे भी करके दिखा सकती थी कि 2 की पावर 3 प्लस 4 हो गई, 2 की पावर 7 हो गई है. और उसका रीजन ये है. गेटिंग इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. इट सेज डिवीजन, सॉरी डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस. नाउ इफ इट सेज दैट हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट सपोज थ्री की पावर एट डिवाइडेड बाय थ्री की पावर सिक्स, ठीक है? अगर ऐसे मेरे पास दो नंबर्स दे रखे हैं जो डिवीजन के साइन के बीच है उनके बीच, और उनके बेसिस अगेन सेम हैं, तो हम कहते हैं उनकी पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, विल बी सब्ट्रैक्टेड. दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? थ्री की पावर एट माइनस सिक्स, दैट इज थ्री की पावर टू. कैसे? करके दिखाते हैं. थ्री की पावर एट का मतलब है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ. इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ थ्री की पावर सिक्स से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके, नाउ व्हेन I have done the such types of questions, तो हम क्या कर सकते? कट से कट नहीं कर सकते, कट कर देते थे, है ना? तो मेरे पास सिर्फ दो रह गए क्योंकि बाकी छह तो कट गए, तो मेरे पास क्या रह गए? थ्री इंटू थ्री, और थ्री इंटू थ्री क्या होता है? थ्री की पावर टू. सो अभी हमने दो लॉस पढ़े, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस. जब बेस सेम होता है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं? एड, कीपिंग द बेस सेम. ऐसे ही जब पावर्स डिविजन में होती है और उनका बेस सेम होता है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, बेस सेम रहता है, बेस तो एक ही रहेगा. थर्ड रूल दैट वी आर गोइंग फॉर टूडे इज टेकिंग पावर ऑफ पावर. अगर पावर की भी पावर दे रखी हो तो उसका मतलब क्या होता है और तब हमें क्या करना होता है? सो इट मीन्स लेट अस से अगर मेरे पास है 2 raised to the power of 3 raised to the power of 4, मतलब 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4 है. इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? वी से कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, जो पावर्स हैं उनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है. सो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है, ठीक है? सो यू हैव टू लर्न दिस एंड यू हैव टू सी दैट When 2 raised to the power of 3, power की power होती है. अब ये कैसे होता है अभी मैं बता देती हूँ. अगर 2 raised to the power of 3 4 times है, that means 2 raised to the power of 3 ऐसा 4 times लिखना पड़ेगा मुझे.
फोर टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर फोर थी, रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर्स क्या हुई, तीन को चार बार ऐड करूं या तीन को चार से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही बात है, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 2 की पावर 12 आ गई, मैंने भी तो यही बोला था। सो हम कहते हैं जब पावर ऑफ पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सी, कंफ्यूजिंग लगते हैं बट इफ यू प्रैक्टिस यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। नाउ इट इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होती है, वो जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है, एक होता है बेस और एक होता है एक्सपोनेंट, जिसे हम पावर भी कहते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स, अब यहाँ पे बेस अलग है, दो अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है और उसका एक्सपोनेंशियल पावर, उसकी जो पावर है वो सेम है, तो फिर हम क्या करते हैं। सो ध्यान से देखना, इट सेज फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस अलग अलग है बट इनके जो एक्सपोनेंट है, जो ऊपर लिखा होता है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट दोनों कहते हैं, उनके जो एक्सपोनेंट है वो अगर सेम होते हैं और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो हम कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट पहले कर लो, दैट मीन्स 2 × 3 कर लो और पावर आप बाद में लगा लो, दैट मीन्स 2 × 3 = 6, आंसर विल बी 6 raised to the power 4। ओके, अगर मैं इसको बताऊं कि इसका लॉजिक क्या है, तो लेट सी, 2 को 4 बार लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना, 3 को भी 4 बार लिखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सबको ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 × 3 = 6, ठीक है, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, ये वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6, तो 6 4 बार आ गया, 6 raised to the power 4 कर दिया मैंने, ठीक है। सो मुझे एक और रूल पता चला कि जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं और नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो क्या होता है, पहले नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है और उसके ऊपर सेम पावर लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलर विद डिवीजन, अगर डिवीजन होती है पावर्स की और एक्सपोनेंट सेम होते हैं, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे उस केस में। सो सी, इट इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, dividing powers with same exponents. Again, if I say I have number, let's suppose कौन सा number लूँ, 8 ले लेते हैं, 8 raised to the power of 5 is divided by 2 raised to the power 5, ठीक है। अगर मेरे पास बेसिस अलग है, पावर सेम है और नंबर्स डिवीजन में है, सो आई कैन से पहले 8 को डिवाइड कर लो 2 से और फिर 5 लगा दो, ठीक है। जैसे हमने वहां पे क्या किया था, नंबर्स को पहले प्रोडक्ट ले लिया था, अब यहाँ पे नंबर्स का पहले डिवीजन ले लो और बाद में पावर लगा दो, तो 4 raised to the power 5 आ गया, ठीक है। अगर आपको इसकी भी कैलकुलेशन चेक करनी है कि ये कैसे हो गया, सो आई कैन शो यू, लिसन, 8 को हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना, और मैं 2 को भी 5 टाइम्स लिख सकती हूँ और ये डिवीजन में है ना, और अगर हम कट कर दे तो 4 आ गया, कट कर दे तो 4 आ गया, कट कर दे तो 4 आ गया, कट कर दे तो 4 आ गया एंड कट कर दे तो 4 आ गया, दैट मीन्स 4 raised to the power of 5 आ गया। और अगर ये कोई फ्रैक्शन भी बचता, मान लो 3/5 बचता, तो 3/5 आता, तो मैं फिर 3/5 की पावर 4 लिख देती, राइट। सो रूल हमेशा सेम रहेगा, आपको डरना नहीं है कि ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मेरा नंबर नहीं हो रहा, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, ओके। द लास्ट रूल इज दैट
एनीथिंग रेज टू जीरो, एनीथिंग जिसकी पावर जीरो होती है उसका आंसर क्या होता है? वन. ठीक है, एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज वन. फॉर एग्जाम्पल कैसे आया ये रूल, जैसे थ्री की पावर फाइव डिवाइडेड बाय थ्री की पावर फाइव है. तो हमने क्या कहा था कि जब बेस, यहाँ तो दोनों रूल्स लग रहे हैं तो कोई भी रूल लगा लेते हैं. मेरे को बेसिस वाला अच्छा लगता है, जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं. तो थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा. लेट्स सी कैसे. अगर मैं इसको खोलती भी तो ये ऐसे आता राइट, और ये एक दूसरे से कट जाता, आंसर क्या आता? वन अपॉन वन, दैट इज वन. सो एक तरह से मैंने ये डेरिवेशन निकाली कि किसी भी नंबर की पावर जीरो होगी तो उसका आंसर क्या होगा? वन. जैसे फोर रेज टू पावर जीरो इज वन, सिक्स रेज टू पावर जीरो इज वन, एंड एनीथिंग रेज टू पावर वन इज सिक्स की पावर वन. क्या होगा? नंबर इटसेल्फ, कि उसको उससे से एक बार ही मल्टीप्लाई करना है. सिक्स रेज टू द पावर टू क्या होगा? सिक्स इंटू सिक्स होगा, थर्टी सिक्स. और सिक्स रेज टू पावर जीरो क्या होगा? वन. ठीक है, ऐसे ये हर किसी पे रूल्स लागू होते हैं. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू कैन डू एक्सरसाइज 13.